तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या हालत है आज के, और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आज से मैं थोड़ा ऑफिस जल्दी जा रहा हूं, इसलिए आज का गुड मॉर्निंग तो हम घर से कर देते हैं, लेकिन शायद कल से गुड मॉर्निंग जो है दोपहर बाद ही होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइस देखो आकृति भी उठ गई है, अक्षत भी मेरा बाबू आ गया है, भास्कर बाबू यार बस कर। तो गाइस निकलते ऑफिस के लिए, आज थोड़ा सा जल्दी जाना है, और बाहर का जो मौसम आप देख लो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला मौसम हो चुका है, बहुत ही ज्यादा कोहरा था, आपको दिखाता हूं मैं, ये देख लीजिए आप, ये देख लो कोहरा। देखो कल रात को ना कपड़े जो थे ना वो ऊपर रख दिए छत पे, और आज ही कोहरा पड़ गया, आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसको बोलते हैं नेहले पे रहला पड़ रहे हैं, उल्टा काम हो गया है। ये देखिए आप, ये रखे कपड़े और आज ही कोहरा हो गया है। वैसे हमने तो कपड़े हमारे नीचे होते हैं, आपने देखे हो कि ज़्यादातर कपड़े नीचे होते हैं, लेकिन आज हमने ऊपर रखे थे कि कल सुबह धूप, लेकिन धूप शायद निकलेगी, कोहरे के बाद कई बार धूप निकलती, कई बार नहीं भी निकलती यार, देखो क्या होता है। और गाइस मैं आ गया हूँ घर, और लंच की तैयारी हो रही है, थोड़ी देर में लंच तैयार हो जाएगा, तो पहले लंच कर लेते हैं। और साथ ही मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा है, जैसे कि धूप निकली हुई है बहुत अच्छी। तो गाइस मैं लंच करूंगा। हाँ, और अक्षत और आकृति के अंदर होमवर्क चल रहा है गाइस। जैसे कि आज हवा बहुत तेज चल रही है और मौसम जो है ठंडा है, और बच्चे चढ़ा रहे हैं पतंग, मैं आपको दिखाता हूँ, पतंगों का सीजन आ चुका है ना, तो बच्चे पतंग चढ़ाते हैं, आपको मिलेंगे छतों पे। तो गाइस देख लीजिए सन सेट होने वाला है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उस कोठी के पीछे सूरज छुप जाएगा। और ये देख लो आप बच्चे जो पतंग के दीवाने हैं, और ये देखो यहाँ पे चढ़ रही है पतंगे, देख लो। तो गाइस छत पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं आ गया हूँ नीचे, और नीचे जाके भी पूजा को बोल रहे थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी वगैरह बना लें, क्योंकि आज दिन में ना जो हमारी कॉफ़ी या चाय बननी थी ना वो नहीं बन सकी, उसका कारण ये था कि आज हमने फिर से कमरे की दो सेटिंग खराब हो चुकी थी, वो सेट नहीं बैठी हमें इतनी, मतलब सेट सा नहीं बैठ रहा था, बच्चे अलग अलग सो रहे थे ना, तो फिर से हमने पुरानी सेटिंग ही कर दी है, और इसीलिए थोड़ा उस काम में व्यस्त हो गया, इसलिए फिर अभी चाय बनी नहीं ना कॉफ़ी बन पाई, तो अभी पूजा को बोलते चाय या कॉफ़ी बनाएगी वो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहले से ही सेटिंग कर दी है। तो गाइस पहले से ही सेटिंग हो गई है, देख लो आप, ये यहाँ पे कपड़े, क्योंकि कपड़े डालने का भी थोड़ी समस्याएँ हो रही थी, और ये मेरा सामान भी इधर उधर हो रहा था, ये देख लो जिम का सामान इधर आ गया, और बाहर पूजा कई बार काम करते करते किचन में यहाँ पर बैठ जाती थी तो वो भी ख़राब हो गया था। और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ना रात को मेरे को ही नींद नहीं आ रही थी सही ढंग से, क्योंकि बच्चे अलग अलग थे तो फिर मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन आज हमने फिर से मंदिर और ये सब कुछ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मंदिर नहीं होना चाहिए बेडरूम में, लेकिन पता नहीं हमें बेडरूम में मंदिर सेट बैठता है, हम तो सब एक साथ ही सोते हैं, मंदिर भी इधर ही होता है। सो गाइस बन रहा है बच्चों के लिए मिल्क, और साथ में पूजा निकाल रही है पकौड़े डाल के। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, खराब हो गई थी, लेकिन बहुत ही हिम्मत मार के मैंने फिर से आज अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज लगानी शुरू की है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं ये मानता हूँ कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह लगाते हैं ना, कुछ भी करते हैं, एक तो मन डिवाइड होता है और थोड़ा सा दिमाग भी डिवाइड होता है, तो फिर इंसान को अच्छा भी फील होता है, तो मैंने कोशिश की कि शुरू करूँ, हल्का फुल्का लगा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, तो इस बार वीडियो पर लाइक जरूर करना। तो गाइज देख सकते हो बच्चे कैसे आ दूध पे रहे स्ट्रो के साथ, क्योंकि हमें गर्म लग रहा था तो स्ट्रो में थोड़ा थोड़ा आता है, तो हमने इसमें पी लिया, इसमें ठंडा लग रहा है, चलो पी लो बेटा पी लो, वेरी गुड। गाइस यहाँ पर ना बच्चों की चल रही है गेम्स, और ये देख लो यहाँ पर इनका खिला रहा। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मेरी आज कल दो चार दिन से तबीयत ठीक सी नहीं चल रही है, इसलिए क्या है कि आज है ना हम घर पे ही हैं, तो घर पे बच्चों के साथ अभी अक्षत कह रहा है कि लूडो नहीं खेलेंगे, पहले हमारा लूडो था, लेकिन अब इसने ना मोबाइल पे निकाल ली है चेस गेम, तो चेस क्या बोलते हैं इसको, चेस गेम जो है खेल रहे मैं और अक्षत और आकृति और मम्मा, क्योंकि बच्चे जो है ना घर पे बोर हो रहे हैं, तो इसलिए चलो बच्चों को टाइम पास के लिए इसी में थोड़ा टाइम पास करा रहे हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट, मार्केट से थोड़ा सा घर का सामान वगैरह लेके आना बाकी है, क्योंकि जैसे कि आज और हमारे घर में शाम के खाने का तड़का लगना शुरू हो गया। गाइस शाम को जानेंगे पापा, पार्क शाम को जानेंगे, गाइस देखो कितने सारे पार्क और गाइस हम जाएंगे
सो गाइस जैसे कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और मैं आ गया हूँ घर, और देखिए पूजा बना रही है आज स्पेशल न्यूट्री की सब्जी और आलू भी डलेंगे बीच में। तो गाइस थोड़ी सी पीते हैं चाय, क्योंकि बाहर ठंड जैसे बहुत ज्यादा है ना, तो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। पूजा पहले सब्जी बना रही है, साथ ही में चाय बना लेगी, रोटी शायद और बनाएगी। अच्छी लग रही है, जैसे कि आप लोग नोट कर दोगे कि मैं सिर्फ फैमिली ब्लॉग दिखा रहा हूँ। गाइस देखो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, एक संडे को जाने का टाइम होता है मेरे पास, तो संडे को वही कोरोना के चक्कर में आजकल बंद हुआ पड़ा है। लेकिन कोशिश होती है हमारी कि कुछ ना कुछ आपको घर में भी एंटरटेन करें, लेकिन हम कहीं बाहर जाएंगे तो आपको पक्का दिखाएंगे। तो जैसा भी होगा आप लोग हमारे ब्लॉग में हर चीज़ देखोगे, आप ही परिवार की तरह हम भी एक परिवार हैं, तो सब चीज़ों को समझते हुए आप हमें सिर्फ प्यार दीजिए यार, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। हमसे भी प्यार कीजिए, जैसे आप इतने लोगों से प्यार करते हो तो हमसे भी प्यार कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। तो गाइस फाइनली आ चुकी है चाय, और ये देखो यहाँ पे चल रही है पूजा की गुड्डू के साथ बात। गुड्डू दुबे पहुँच चुका है और उसे बात हो रही है, और अक्षत बोल रहा है गुड्डू, फिर मामा ने बोला वहीं पे आके पीटूंगा, फिर कह रहा मामू मुझे प्यार कर मामू। तो अक्षत को आजकल आदत पड़ गई है ना, वो जैसे हमारे फोनों पे लिखा होता है ना उसके ऊपर नाम, तो वही नाम से बुलाना शुरू किया अक्षत ने आजकल। गाइस आप देख सकते हो आकृति का चल रहा है यहाँ पे डांस, उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मेहनत लगती है ना, एडिटिंग भी करेंगे तभी तो कल का ब्लॉग आपके पास आएगा। तो मैं बैठा हूँ बिस्तर में, ठंड हो रही है, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, और ये लेकर आ गया फिर से चेस गेम, और मेरे साथ खेलो। देखो और क्या राजा काटूंगा पापा का। तो गाइस डिनर बिल्कुल रेडी है और हमने तो शुरू भी कर लिया खाना, क्योंकि सब्जी बहुत स्वाद बनी है और बच्चे कर रहे हैं डिनर। हेलो टेस्टी बना है, ठीक है खाओ पुत्र। सो गाइस आज का ब्लॉग हम करेंगे यहीं पे एंड, आपसे मिलेंगे कल। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आपको हमारे चैनल के जो ब्लॉग है थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक किया कीजिए। और हमारे जो फैमिली ब्लॉग है इसमें हमको प्यार दीजिए, हमको सपोर्ट मिलता है आपके प्यार, जब आप हमारी वीडियो को देखते हो लाइक करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारा दिल करता है कि हम और अच्छे से अच्छा करें। फिलहाल अभी जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, और उसकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चे छोटे हैं, आपको जैसे बताया भी मैंने ब्लॉग में भी, तो जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक होता है तो हम बाहर भी जाएंगे, उसके ब्लॉग भी आपको मिलते रहेंगे, और जो जो हम घर पे करते हैं वो तो आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये फैमिली ब्लॉग है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, और इसी के साथ हम आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बाय बाय।